सावधान सावधान, आप सभी ग्रामवासियों को सचेत किया जाता है कि आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और भोर पहार में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि सायकाल एवं रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़े एवं बहुत आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकले, घर के भीतर बंद दरवाजे में ही सोए, डरे नहीं, सावधान रहे। जी हाँ, भाई स्लो चला, भाई स्लो स्लो कर, स्लो कर भाई, रोकना रोकना रोकना, रुको रुको, पहले रुको, ये बैठा है इसको, दो मिनट रुक जाओ जरा, चुप रहना। वो गया भाई, वो गया। एक और बैठो जरी। भाई इधर मूव करा, इधर मूव करा, ये घास मूव कर रहा है। पूरी रात जागते हैं तभी बचा पाते हैं अपने लड़कन को। यहाँ पे जैसे अंधेरा है, लाइट नहीं है, वो आएगा अभी देख लेना। जागते रहो, जागते रहो, तीन अगस्त दिन शनिचर 2 बजे रात के 12:06 तक ऐसे हम बैठ रहे हैं खटिया पर, तक अंगही लागे लागे तो हम कहते निपहुर रहे, चलत रहे पुरवैया, बादल बहुत कर रहा है और बत्ती ना रहे, अंधेर रहे तो हम कपहुर रहे, तनि पहुड़े हन के सट दे हम सोई गए। घर में घुस गई हम, यह मुँह पकड़ के हैं और वह है दरवाजा थर से छलांग लगा दे देते थे, इनके चिल्लाहट से हम जान पावा है कि लेगा, तब दौड़े हन पाछे मिक्सर चिल्लाते, तब गांव से आदमी सब छूटे। घुस गए गन्ना में, झड़ 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 लाठी गन्ना में चलाए और चिल्लाते सब हकवा लगाए, हकवा लगावल लगावल 2 बजे के पीले पीले 5:15 बजे हमरे भैया के लहास मिली गन्ने। मैं छोर चले कर सयान तक पकड़ी लेकिन ये कोई नहीं कह पा रहा कि भेड़ा कि कौन जानवर है। नट्टी काट दे से या मीठे के खाए ले सर, मतलब ये पूरा हिस्सा खाए खोल दे हिस्सा, ये नट्टी काट दे सर, ये काट से ना लगे लटक जा रहा। आपका बेटा है, कितना बड़ा था है? ये सरकार पूरी तरीके से कुंभकर्णी नहीं सो रही है और पूरी तरीके से ये सरकार को कहीं संवेदना नहीं है, असंवेदनशील सरकार चल रही है।
दरवाजे नहीं हैं, घर में कहीं रहने के लिए दरवाजे नहीं हैं, लाइट नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। आके देखें ना, मुझे लगता है कोई भी केंद्र का मंत्री या प्रदेश का मंत्री इनके घर आया, दरवाजे पर आया। ये जो दरवाजे लगे हैं विधायक जी के सौजन्य से लगे हैं जी, और ये लाइट सोलर लाइट है, ये विधायक जी लगे, ये भी विधायक जी ने लगवाई, तो ये हादसे के बाद लगे। हादसे के बाद लगे। सब दिन हमारे यहाँ भेड़िया रहे, लेकिन ज्यादातर ये हमला नहीं हुआ, कभी नहीं हमला ये हुआ। और फिर के लिए भेड़िया जब सब पकड़ी जा रही है, तभी तो हमला बंद नहीं हुआ, अभी तो हमला बराबर हो रहा है। ये कोई दूसर जानवर है। आंखें चमकी है, तब भाग है, तो देखा इतना बड़ा था, इतना बड़ा था। तो जैसे ये पहुंचा भाई का ऐसा पटक दिया, वो नोचने लगा, तब तक आया वो हमला कर लिया, गर्दन को पकड़ लिया कूद कर, जब हमको आवाज नहीं निकला, बोलने नहीं देता। बहुत ब्रूटली खाता है, दो पैर खा लिए और दोनों हाथ खा लिए। मेरी बेटी ने पानी मांगा, उसने घर से लेके आया, वहाँ इतनी देर में दबोच के ले गया भेड़िया। ये जो केसेस रेगुलरली आ रहे हैं, इसकी बाइट जो है हमेशा नेक इसके अराउंड या हेड के अराउंड ही रह रही है। बिजली देने के अलावा जिन घरों में घटनाएं घट गई हैं, वहाँ पे हम दूसरों से मांग करके या अपने सहयोग से वहाँ दरवाजे भी लगवा रहे हैं। अगर भेड़िया पकड़ में नहीं आता है और वो अटैक जिस तरह से करता है, ऐसे ही करता रहने दें, ये भी तो मुमकिन नहीं है, इसलिए उसको मार देना ऑर्डर गलत नहीं है, लेकिन हर मुमकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि उसे पकड़ लें, नहीं पकड़ पाएंगे तो उसके लिए यही करेंगे। तो येलोस्टोन जो नेशनल पार्क है, वहां पर भेड़ियों को सबको मार दिए गए थे। तो इन द 1990s, उसका 1997 में एक्चुअली उनका रीइंट्रोडक्शन किया गया, 14 भेड़िए कनाडा से लाके उनको छोड़े गए। तो भेड़िए आने के बाद में वहां पर जो परिवर्तन आए हैं इकोसिस्टम के अंदर, वो देखने लायक है। वो मान्यता ऐसी है कि जो हिरन वहां पर वनस्पति खा रहे थे, उसका हैबिटेट यूज भेड़ियों के आने से और उसकी मात्रा संख्या कम हो गई। जहां पर वनस्पति नहीं थी, वहां वनस्पति आ गई। पक्षियों जो पहले वहां पर नहीं थे, उसका वहां पर आवास हो गया। सॉइल इरोजन रुकने की वजह से, भेड़ियों के डायरेक्ट इंपैक्ट से, वहां पर नदियों में पानी बहना शुरू हो गया। भारत में हमारे पास कोई नेचुरल इकोसिस्टम वैसी बची नहीं है कि जहां भेड़िया टॉप प्रेडेटर के तौर से एक्ट करता। भारत में जो भी रूरल लैंडस्केप्स है, उसमें वन्य प्राणी और लोगों के बीच में अंतर रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एग्रीकल्चरल लैंड अगर बहुत बढ़ते जा रहा है, शहरों का बढ़ते जाना, तो नेचुरल हैबिटेट्स कम होते जाते हैं। भेड़ियों को भी सेफ डिस्टेंस रखना पॉसिबल नहीं होता। कोई भेड़िया पेड़ से जन्मा हुआ आदमपुर नहीं होता। किसी हालात में, एक सिचुएशन में, जब वो बूढ़ा हो जाता है, जख्मी हो जाता है, तब वो आदमपुर बनता है। आदमपुर में भी बच्चे और बूढ़े औरतों को यूजुअली बहुत शाही है। भेड़िया जो है वो इंसान से काफी डर के रहता है। हो सकता है वो क्रॉस ब्रीड के, मतलब कि हम इंसान कई बार भेड़िया और कुत्तों से क्रॉस ब्रीड कराते हैं, तो वो जो उससे बच्चा पैदा होगा, उसको हमने पाला, कुछ टाइम के बाद हमको रियलाइज हुआ कि यार ये तो बड़ा खतरनाक से लग रहा है, तो हमने छोड़ भी दिया। तो जब छोड़ा तो उसका शाईपना था ही नहीं, क्योंकि वो ह्यूमन के बीच में उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, पालतू था, तो उसको इंसानों का डर नहीं था। ये जो भेड़िए होते हैं, ये झुंड में होते हैं, पैक में होते हैं, 6 से 12, 18, sometimes 25 से 30 का भी इनका झुंड होता है। Yeah.
है? हाँ जल्दी आओ। लाइफ में चाहे घर की लाइफ हो बाहर की लाइफ हो, उसके अनुसार आप जब कितना भी जितना भी काम करेंगे उसको इतना आगे बढ़ाओ, इतना आगे बढ़ाओ, आपको उसी में इंजॉय, मतलब खेल जैसे खेल में इंजॉय होता है ना, आपको इंजॉय महसूस करने लगे। काम करोगे आप, पिछली गाड़ी में बैठ जाए, जाएंगे तो वहीं पचदेवरी जा रहे हो ना यार। देखो ऐसे समझो है वही कहीं खा लिया ना, यह देखो देख लिया मैं, मतलब आप समझ लो कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि है वही। आज नहीं चलना है उसको, आज पकड़ के ही आना है। और सुनो बुला लो शिकारियों को यही। होता क्या है कि जिस लिए आप जा रहे होते हैं वो नहीं हो पाता, लेकिन वहाँ जाने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए होते हैं और वो आपके फायदे के लिए होती है। इसलिए फील्ड जाने का अपना महत्व है। जहाँ घटनाएं हो रही हैं वहाँ की जो सबसे नियरेस्ट नदी कछार है, मैं वहाँ जाऊँगा, बस इतना हम सोच कर चले थे। ठीक है, फिर पता चला गांव वाले ने बताया साहब हमारी बकरी मार दिया, आगे बढ़े उसका पगमार्ग भी मिला। आगे बढ़े तो एक जो कलेजी होती है जी जानवर की, अब किसी पक्षी की जानवर की किसी कलेजी थी जी, वो रास्ते में पड़ी मिली, तो हम समझ गए कि रात को इसने कोई जानवर छोटा मोटा मारा है। तो कहीं न कहीं जितनी बार बच्चे उठे हैं या घायल हुए हैं, हर बार पहुँच करके और उसकी घेराबंदी करने का प्रयास हम लोगों ने किया। कहीं न कहीं उसको ये जानकारी है कि वो कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि जब भी हम लोग उसकी घेराबंदी करते हैं तो एक दो दिन वो दिखता भी नहीं है, कोई हरकत भी नहीं करता। मतलब उसको ये पता है कि वो उसके पीछे लोग पड़े हैं, उसको पकड़ना चाहते हैं, उसको बहुत अच्छे से पता है। हम उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं तो भी बचने का प्रयास करते हैं, ये तो हमारे उसके बीच में आमने सामने की लड़ाई है। हम पकड़ लिए जीत हमारी, नहीं पकड़ पाए तो जीत उसकी। इस ड्रोन में कोई कैप्चर हुआ अभी तक 5 दिन में? हाँ कैप्चर हुआ था कल वहाँ पे, वो कैप्चर हुआ था, दिखा जा रहे हैं। हाँ दिखा था, वो मॉर्निंग में दिखा था, धूप बहुत ज़्यादा थी, फिर वो डिटेक्ट नहीं हो पाया, थर्मल कैमरा है तो धूप में ज़्यादा डिटेक्ट नहीं करता है, धूप बहुत ज़्यादा होती है वो मांद में घुस जाता है या इधर उधर छुप गया है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। ये भेड़िया के द्वारा बनाई गई मांद है और भेड़िया, आदमखोर भेड़िया, इसी मांद में बताया जाता है कि वो रहता था, शिकार करके आता था और इसके अंदर चला जाता था। और यहाँ जो पेड़ की टहनियाँ हैं ना, इसके ज़रिए इसको यहाँ पर शेड भी मिल रहा है, यानी कि धूप यहाँ पर कहीं नहीं है। यहाँ पर और भी मांदे हैं, पूरा पेड़ जो है इसके इर्द गिर्द आप देखिए, बड़ी बड़ी तमाम मांदे आपको दिखेंगी। ये देखिए, ये डंडा 6 फीट का है और 6 फीट अंदर ये पूरा डंडा जा रहा है, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मांद कितनी ज़्यादा गहरी है जी। यहाँ बरसात का पानी हो या बाढ़ का पानी भर जाता है, लेकिन अब की बाढ़ तो नहीं आई है, लेकिन बरसात का पानी यहाँ पर चढ़ जाता है। इसकी वजह से इसने अपना घर छोड़ा, इसने इसी वजह से अपना घर छोड़े और फिर ऊंचे स्थान पर ये गए। सर हम तो फील्ड में सुबह ही निकल आए, सर मीटिंग से हम मुक्त नहीं रह सकते, क्योंकि मीटिंग चले आएंगे तो फिर
यहाँ तो फिर आज सब डांट चला जाएगा। सर्च करा रहे हैं। क्या संदेश है आपके पास? वहाँ बहराइच में वो मीटिंग है, वो सर्च कराओ। हम एक आध दो लोग लगा लेते हैं, मीटिंग से आते हैं और मैं बोल दूंगा कि मीटिंग के कारण नहीं पकड़ा जा रहा। मैं बोल दूंगा बहुत स्पष्ट कि मैं एक हफ्ते से मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। मीटिंग लेना हो तो यहाँ बुला के एक मीटिंग लो, काम चलता रहे। यहाँ बुला में एसी में बैठ करके मीटिंग। हाँ, हम प्लांटेशन, अपना जो प्लांटेशन है और जो नदी है उसी के बीच में जो रास्ता है वहीं बैठे हैं, एक मड़ैया है उसी में बैठे हैं। तो यहाँ आ जाओ ना। वो है, कान हिला रहा है ना। कोई और जानवर है ना ये? हिरन हिरन है या फिर नीलगाय है? ज़्यादा दूर हो गया और वो ऐसी जगहों पर नहीं जाएगा कि जहाँ उसके छुपने का स्थान वो खटे। वो बड़ा, वो गन्नों का बड़ा पैच ढूंढता है। हाँ, वो गन्नों का बड़ा पैच ढूंढता है या फिर कछार जाता है, वो बड़ा होता ही है। कैसे हम यहाँ बातें कर रहे हैं, पैरों के हाथ ये भी उसको सुनाई दे रही है। हाँ, हमारी गंध जा रही है। तो का तरीका क्या होता है, जैसे ये है पड़ा है ना ऐसे, और हाथों में अपने तो बढ़िया से हाथ में यहाँ सब है ना बढ़िया से रगड़ लिया। ठीक, तो अब इससे क्या होगा, हमारी गंध क्योंकि इसके अपनी एक गंध है। अब इसकी गंध जब जाएगी, हमारी गंध से इसकी गंध ज़्यादा होगी, तो वो तो जानेगा कि ये सब तो यहाँ है ही। तो हम तो ये सब चीज़ें हैं, जब हम उसके पास नज़दीक जाने का प्रयास करते हैं तो हाथ में सब ये सब चीज़ें काम आती हैं, काम आती हैं। काम की चीज़ें हमारी नज़र में खट से आ जाती हैं, कितने बिजी हैं। देखो यहाँ ऐसी मिट्टी वहाँ की है, वहाँ नाखून नहीं है। वो कैट फैमिली का है कि डॉग फैमिली का है? नाखून पड़ गया डॉग फैमिली, नाखून नहीं पड़ा कैट फैमिली। साइज छोटी फिशिंग कैट, और बड़ा कोई कंफर्मेशन अभी तक हमें मिला नहीं है कि ये वुल्फ है, क्योंकि किसी ने फोटो नहीं खींची है। पग मार्क्स एटलीस्ट मैंने तो ढंग के देखे नहीं है जिससे आप कुत्ते और भेड़ियों को अलग कर सकें, वैसे पग मार्क्स नहीं मिले हैं, एटलीस्ट दिखे नहीं है मैंने। कुत्ता जैसा जानवर है वो हमें पता है, तो ये शियाल हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, वुल्फ डॉग हाइब्रिड हो सकता है, किसी का पालतू भेड़िया हो सकता है जो छूट गया हो। चार भेड़िए जो हमने पकड़े, आपने पकड़ा और जू में डाल दिया, कायदे से इनका डीएनए टेस्ट होता है, तो हो सकता है उन चारों में से कोई एक था, लेकिन सजा सबको मिलेगी, वो छः थे, सबको सजा क्या मिलेगी, उम्र कैद यानी जू, जू में छोड़ दिए जाएंगे। जू की जिंदगी जंगली जानवर के लिए मृत्यु से काफ़ी डिफिकल्ट है। वो जो जंगल में रहते हैं उसको आप पकड़ोगे तो उस स्ट्रेस से आधे मर जाएंगे, उससे बेहतर है कि उसको आप लीथल मीन से कंट्रोल करके ख़त्म कर दें, क्योंकि अगर ना करें ऐसा और उसमें टाइम लगा दें तो पूरी कम्युनिटी जो हमारी सोसाइटी है वो इस प्रजाति के अगेंस्ट हो जाती है, तो उसका कंजर्वेशन करना फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उसको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में एक जानवर या पांच जानवर को सैक्रिफाइस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है पूरी प्रजाति और पॉपुलेशन को बचाने के लिए। अब उनको भी कहें कि वापस आओ 12 बजे मीटिंग के लिए। अब ये सब कट पिट जाते हैं, वापिस जाने का मतलब कि आज का दिन खराब होना। सुनो, ये गन्ना और ये सब एरिया सर्च कराओ। ऐसे कैसे हो सकता है, कहीं भाग भूग गए, सीता उतापुर तो नहीं भाग गए? ए, इधर
इधर इधर इधर सीतापुर है क्या? ऊंचे भर इधर जो है बहराइच, उधर जो है सीतापुर। दीपू सर? ओ सर, सर राम सिंह सर। कैसे सर आप? ये मालूम हो जाएगा यहाँ पगमार दिख जाएगा, ये है उसको पाताल से निकाल लेंगे फिर हम लोग। अब आए हैं आपको देख लेना क्या करते हैं, थोड़ा हमको थोड़ा होता जाए ना कि यहाँ पर रहता है या यहाँ पर भी हमको थोड़ा बता दो बस। डॉग कैचर है इसको, कोई भाग के भी जा रहा है ना उसको, बस भाग के जा रहा है डाल के। अच्छा, बस ऐसे रख दो, कुछ नहीं करेगा। थोड़ी हमको झलक दिखा दो प्लीज। आपको बहराइच का राम नाम रोशन ना करके हमारा नाम नाम नहीं है वाले पैसे हमको सब दिखा दो। आप अपना नाम रोशन करके चले जाइए, बहराइच तो बदनाम हो ही गया। नहीं नहीं नहीं, हम रोशन भी कर देंगे सर। भेड़िया का ऑपरेशन आपने कितने किए हैं? भेड़िए का कितने भेड़िए रेस्क्यू किए हैं सर? भेड़िया मिलते नहीं ज़्यादा, लोगों ने जंगल बना दिया, जंगल को नष्ट कर दिया, भेड़िए है कहाँ? सब शिकारियों ने मार दिए, कुछ वैसे लोगों ने मार दिए, जंगल है नहीं है, खेत खेत पे आदमी इंसान है। एक दो तीन नेट लगा सकते हैं लंबे करके, दो आदमी तीन आदमी इधर रहेंगे, दो आदमी तीन आदमी इधर रहेंगे, और उधर से 10-15-20 आदमी उसको हाय 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 करते आएंगे ना, हल्ला करके आएंगे, तो आगे चलता रहेगा चलता रहेगा। तो वहाँ पे दो तीन जो आदमी रहेंगे ना, दो इधर वाले वो थोड़ा ऐसा मतलब गैप देखेंगे ना, तो जाल में जाता दिख जाए, जैसे यहाँ जाल लगा है, ये गैप है, और उधर से कूद के आ रहा है ना, वो कूद के जब आ रहा है तो हम लोग इधर से हल्ला दे के भागेंगे, तो सीधा एकदम आँख मीच के भागेगा, वो भागेगा तो जाल में फंसेगा, फंसेगा तो जाल गिरेगी, तो ऑटोमेटिक पकड़ा जाएगा। एक मिनट सब कहेंगे बिल्कुल, आप भी आइए, इधर भी आइए, आइए आप भी आइए। तो मीटिंग है 12 बजे से, फिर हम भी चलें अभी, थोड़ा बताएं डीओ साहब हमको। नहीं मान लीजिए, हम तो कहते हैं कि आप लोग यहीं रहिए, मान लीजिए ट्रेस हो गया सर, क्यों उम्मीद है ट्रेस होने की? नहीं है इधर तो नहीं है सर, अभी इस साइड अगर करने में हो तो हाँ, रहिए आप लोग, रहिए रहिए, देख लीजिए आप क्षेत्र, देख हम इधर रहते हैं। ठीक ठीक ठीक, और फिर आप भी आ जाओगे ना फिर? हम वो तो हमको आना है मीटिंग, आपसे बात करनी थी, बहराइच में एक मीटिंग है। ठीक है, डिपो साहब सर सर एक फोटो ले लेते हैं इधर से। देर पहले यहाँ पे दिखा था, उसको खदेड़ दिया गांव वालों ने। तो इस तरीके से सभी लोग एक दूसरे के साथ मिल करके एक दूसरे की सुरक्षा में लगे हुए हैं, और वन विभाग की टीम अपना अलग से भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है। जो भी दो भेड़िए हैं जल्दी ही पकड़ लिए जाएंगे, आज भी काम्बिंग हुई थी। एक हाथ ना, और एक हाथ फोटो दे सकते हैं। जब सो के उठा तो बड़ी तेज से भागा भागा, तो उस पर ध्यान भी नहीं दिए। इसके बाद जब वहाँ तक बाहर तक गए, तक लौट के आए तो पूछा हमने कि हमारी गुड़िया कहाँ है, तो कहने अभी तो दूध पी रही थी। तो हम कर वहाँ यही मैंने खाट पे नहीं है, वही माता जी यही होंगी, उनसे पूछा कि हमको गुड़िया ही है, कहीं यहाँ नहीं, तब इनसे उसे बताएं कि मतलब लेगा। अंजलि के बारे में कुछ सोचा था? जहाँ तक हमारी उपाय लगती, पढ़ाते सब कुछ कराते, जहाँ तक हमारी उपाय लगती है। अब वो तो तनख्वाह है नहीं कि 50,000 पा रहे हैं, 1,00,000 पा रहे हैं, 200 लोग मजदूरी कर रहे हैं, जितनी उपाय लगती उतना कराते। कल 1:45 में मैसेज हमारे में आया 5,00,000। ये आपका अकाउंट नंबर? हाँ हमारा है, इसका करेंगे क्या?
घर ही नहीं था, तभी ये हुआ। घर देखिए, हमारी टॉर्च है 350 रुपए की है सर। बताओ भाई, मजदूर आदमी हम अपनी किसानी खेत की करें या रात भर जाके हम बाकवा या बचाए, मतलब तभी लाइट होती नहीं यहाँ पे, मतलब रात में लाइट आती है नहीं आती है, मतलब इतनी लाइट की प्रॉब्लम यहाँ पे है। कल दो बार आया, हमको नहीं पता, हमारे घर के पास से वो निकल के गया, हम घर पे बैठे थे, अगर हमारे पास फोन थी बैटरी थी, अगर वो भी नहीं होता तो हमको तो काट लेता कल। चार हम लोगों ने पकड़े हैं और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूं कि थोड़े दिन लोग जागरूक रहें और घरों के अंदर ही सोएं या छत पे सोएं। छत ही नहीं तो क्या, कहाँ रहें, छत पे नहीं रहते हैं, नीचे रहते हैं छप्पर वाले घर में। शौचालय है आपके घर में? अभी नए हैं, प्रधान जी लिख दिए हैं, लगभग 15-16 से शौचालय लिख गए। गरीबी इतनी ज़्यादा है कि लोग अपने कैटल को, यानी लाइव स्टॉक जो होता है बकरे भेड़, ये घरों के अंदर दरवाजा बंद करके रखते हैं। बच्चे कहाँ सोते हैं? बच्चे घर में, और बच्चों के साथ बाहर सोते हैं जहाँ दरवाजा नहीं है। अरे टटिया तो कम से कम यहाँ रख लेते हैं, जिसके लिए हाँ। तो अपने बच्चों के लिए टटिया लगा दो। तो साहब हम रहे थे ना, इतनी खटिया छोड़ी थे बाहर, हम सब ये गुजरना, चलो चलो टटिया ला लीजिए साहब। तुम कॉलोनी नहीं मिली हमको, ना शौचालय मिला है, ना कोई योजना मिल था, ना पल्ला दरवाजा मिले हैं, और कहाँ मिले। डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, रहने का जो अधिकार है वो सिर्फ इंसानों का, ऐसा हम इंसान मानते हैं। जानवर कभी भी मॉल में शॉपिंग करने नहीं आ रहा है, ना तो वो किसी अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीद के रहने आ रहा है, वो ऐसा नहीं कर रहा है। हम उनके इलाके में घुस करके मॉल बना रहे हैं, हम उनके इलाके में घुस करके बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो कहाँ जाएंगे। You're right.